श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 26वां नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब यह नन्ना सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आँख बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि इसकी ठोकर से वह भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 वर्ष का ही था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो, इसने उस तरणावर्त दैत्य का गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकाया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बार और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और उसने दोनों हाथों से इसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला था और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया था। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गऊओं और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना के जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह सब भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्ना सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले वही वासुदेव के घर में पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुसार और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गऊओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। गोपो, मुझे स्वयं गंगाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ।
जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय व्रजपात ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से तुरंत ही मुस्कुराने लगे, जैसे कोई नन्ना सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले। वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे व्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हों। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 26वां समाप्त।